जीवन में या तो आप बहाने बना सकते हैं या तो आप पैसे बना सकते हैं। मैं विशाल सिंह गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज यहां पर आपको 11 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसमें आप घर पर बैठकर अपनी नई इनकम की सोर्स खड़ा कर सकते हैं, और स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों को आज इस महामारी के चलते नौकरी से निकाल दिया गया है, या जो लोग ऐसी महामारी में पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि भविष्य में ऐसा फिर से कभी ना हो, इसलिए मुझे मेरा खुद का बिजनेस शुरू करना है। तो मैं आज उन लोगों के लिए ये 11 तरीके बताने वाला हूं जहां पर आप घर पर बैठे बैठे आप अपनी इनकम शुरू कर सकते हैं और आप अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वो 11 तरीके मैं आपको बताता हूं कि जिससे आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद का एक नया इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हैं। कौन से वो 11 तरीके हैं? सबसे पहला तरीका है डिजिटल मार्केटिंग। आज के जमाने का सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा फील्ड, जी हाँ, आज पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, और कोरोना आने के बाद तो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया डिजिटल के ऊपर जा रही है। और जैसे जैसे दुनिया डिजिटल पर जा रही है, वैसे वैसे वहां पर उनको डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जहां पे वेबसाइट डेवलप करना, एप्लीकेशन डेवलप करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो, ये सारी चीजों की उनके जरूरत होगी। तो ये आने वाला भविष्य है, यहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं, जहां पर छोटा मोटा बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जहां से करके आप अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं और लोगों से आप बहुत अच्छे तरीके से सर्विस देकर उनको पैसा ले सकते हैं। तो पहला तरीका है डिजिटल मार्केटिंग, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये बहुत छोटी सी अमाउंट के अंदर आप शुरू कर सकते हैं, वो भी घर पर बैठे बैठे। दूसरा तरीका है ऑनलाइन टीचिंग। जी हाँ, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, आप डांस सिखाने में एक्सपर्ट हैं, आप बच्चों को पढ़ाने में एक्सपर्ट हैं, आप म्यूजिक सिखाने में एक्सपर्ट हैं, आप इंग्लिश सिखाने में एक्सपर्ट हैं, आप कोई भी चीज सिखाने में एक्सपर्ट हैं, आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो आप ऑनलाइन के ऊपर अपने आप को प्रमोट करके अपना ऑनलाइन ट्यूशन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन शुरू कर सकते हैं, जहां पर आप बहुत अच्छे से लोगों से चार्ज ले सकते हैं और लोग इसके लिए आपको बहुत अच्छा अमाउंट भी डेफिनेटली देंगे। तो ऑनलाइन टीचिंग इस टाइम पर बहुत जरूरी है, और बहुत सारे लोग घर पर बैठकर ले रहे हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर भी आप अपना खुद का करियर बना सकते हैं। तीसरा मौका है कि आप खुद का यूट्यूब पर या फेसबुक के ऊपर चैनल शुरू कर सकते हैं, और वहां पर आप बढ़िया कंटेंट, जो आपकी एक्सपर्टीज है, वो आप डालकर अपने ऑडियंस को इकट्ठा करके खुद का एक चैनल बना सकते हैं, और वहां से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ भी एक बहुत बड़ा मौका है, और बहुत सारे लोग हैं जो आज इस प्लेटफॉर्म पर अपना करियर बना रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली वहां पर अपने आप को ग्रोथ करवा रहे थे। तीसरा जो मौका है, तीसरा जो रास्ता मैंने बताया, वो आप खुद का एक चैनल बना सकते हैं जो फ्री ऑफ चार्ज, आप घर पर बैठे बैठे ही ये चीजें कर सकते हैं। चौथी चीज है कि आज कोरोना महामारी के चलते बहुत सारी कंपनियां हैं वो घर से काम करवा रही हैं, और घर से काम करवाने के लिए वो चाहते हैं कि उनका एक्सपेंस भी बच जाए और उनको बहुत सारी चीजें एक साथ में हो जाए। तो उसके लिए बहुत सारे लोग है ना फ्रीलांसर एडमिन के लिए ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां फ्रीलांसर एडमिन ढूंढ रही है। आप अपने आप को एज अ फ्रीलांसर एडमिन प्रमोट कर सकते हैं, जहां पर आप उनका डेटा एंट्री, उनका मेल है, उनकी पीपीटीज है, उनके फोन कॉल्स है, उनके प्रायोरिटीज है, उनके सारी चीजें आप घर से बैठ के मैनेज कर सकते हैं, और जिसके लिए आप बहुत अच्छे तरीके से चार्ज ले सकते हैं। और यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, साथ में आप कंपनियों के, तीन चार कंपनियों के साथ में आप मैनेज कर सकते हैं, जहां पर आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी खुद की काबिलियत और खुद की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रीलांसर एडमिन वर्क आप कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, आप अपना करियर यहां पर भी बना सकते हैं। पांचवा रास्ता है सेल्स एग्जीक्यूटिव। जी हाँ, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आज जितनी भी कंपनियां हैं, आज मार्केट में जाकर सेल्स करना शायद लोगों के लिए टफ होगा, क्योंकि जब तक ये कोरोना का टेंशन है तब तक हर एक बंदा कहीं ना कहीं मार्केट में जाने से डरेगा, और कंपनियां भी लोगों को मार्केट में भेजने से डर रही है। तो वो क्या बोल रही है कि अगर घर पर बैठकर ही अगर फोन के जरिए अगर आप सेल्स कर सकते हैं, तो हम आपको बहुत बड़ा मौका दे सकते हैं हमारी कंपनी के अंदर। तो आज सेल्स एग्जीक्यूटिव जो घर से काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत सारी कंपनियां ऑफर दे रही हैं और बहुत सारे लोगों को मौका दे रही हैं कि आप लोग भी सेल्स एग्जीक्यूटिव बनकर हमारे प्रोडक्ट का फोन के ऊपर सेल्स कीजिए, और हम आपको बहुत अच्छा पे और बहुत अच्छा हम आपको सैलरी देने के लिए तैयार है। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं इस टाइम पर अपने घर से बैठकर, ये चीजें बहुत सिंपली हो सकती है।
छठवां रास्ता है ऑनलाइन कंसल्टिंग। जी हाँ, अगर आप किसी एक चीज के एक्सपर्ट हैं, जैसे कि आप माने कि मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, आप ब्रांडिंग के एक्सपर्ट हैं, आप सिस्टम और प्रोसेस के एक्सपर्ट हैं, अगर आप मैन पावर के एक्सपर्ट हैं, आप टीम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, आप माने कि टैक्स के एक्सपर्ट हैं, आप माने कि लीगल एक्सपर्ट हैं, तो बहुत सारी कंपनियां ये सारी सर्विसेज ऑनलाइन ले रही हैं। तो अगर किसी भी चीज में आपकी एक्सपर्टी है तो आप अपने आप को एज ए ऑनलाइन कंसल्टेंट तरीके से प्रमोट कर सकते हैं और वहां पर आप लोगों को कंसल्ट करके उनसे बहुत अच्छा फीस ले सकते हैं और यहाँ पर भी आपका एक बहुत बड़ा करियर बन सकता है क्योंकि भविष्य ऑनलाइन का ही है। तो ऑनलाइन कंसल्टिंग आप कर सकते हैं। सातवां तरीका है वर्चुअल अकाउंटेंट। जी हाँ, बहुत सारे लोग है ना ऑफिस के अंदर अकाउंटेंट बुलाना नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मेरा घर से बाहर या घर पर ही बैठे बैठे कोई मेरा पूरा अकाउंट मैनेज करके दे सकता है, इसमें टैक्सेस है, एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, ये सारी चीजें मुझे घर पर ही बैठकर कोई करके दे सके, तो शायद मेरे लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। और उसके लिए वो वर्चुअल अकाउंटेंट ढूंढ रहे हैं कि ऑफिस आए बिना ही वो घर पर बैठे बैठे मेरे अकाउंट के सारे काम कंप्लीट कर दे, और उसके लिए लोग वर्चुअल अकाउंटेंट ढूंढ रहे हैं। तो आप वर्चुअल अकाउंटेंट, अगर अकाउंट में आपकी एक्सपर्टीज है तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है कि जहाँ पे आप अपने आप को एज अ वर्चुअल अकाउंटेंट प्रमोट करके आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से पे ले सकते हैं और यहाँ पर भी आप अपना करियर बना सकते हैं, जहां पर एक ही कंपनी का नहीं, आप मल्टीपल कंपनी का अकाउंट वर्चुअली मेंटेन कर सकते हैं, वो भी घर पर बैठे बैठे। आठवीं सर्विस है जो थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये भी इतना टफ नहीं है, कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, वो है बुक राइटिंग। जी हाँ, बुक राइटिंग बहुत सारे लोग इसको बहुत बड़ा हवा समझते हैं, बहुत बड़ा टास्क समझते हैं, एक्चुअल में इतना टास्क बड़ा है नहीं। हमारे दिमाग में शायद है कि बुक लिखना तो बहुत बड़ा काम है, बुक लिखना बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम है, लेकिन थोड़ी सी इसमें आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। डेफिनेटली आप बुक लिख सकते हैं और अपने आप को एज अ ऑथर प्रमोट कर सकते हैं, आप बुक पब्लिश करके, आपकी बुक अगर अच्छी है, लोगों को पसंद आती है, तो डेफिनेटली इसमें भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसके लिए भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, घर पर बैठे बैठे ही ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। तो बुक राइटिंग आठवां आपके लिए मौका है। नौवां चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, MLM, आज जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट भी आत्मनिर्भर, नरेंद्र मोदी जी जैसे कि आज आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया की प्रोडक्ट इंडिया में ही बनाते हैं और इंडिया में ही बेचते हैं, और उसके लिए उन्होंने कुछ एग्जीक्यूटिव्स रखे होते हैं जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी आप जुड़कर बहुत सारी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करके बहुत अच्छा इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं, और कहा जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग आने वाला भारत का बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है, जो लगभग 2025 तक 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। तो ये भी एक आपके लिए मौका है, इसमें आपको कंपनी आपको ढंग से चुननी होगी और लीडर आपको ढंग से चुनने होंगे, तो ये भी एक मौका है जहां पे आप अपने आप को एक नया इनकम क्रिएट करने के लिए आप तैयार कर सकते हैं। दसवां मौका है मैन पावर सप्लायर। जी हाँ, आज जैसे कि कोरोना महामारी के जरिए बहुत सारे लोग नौकरियां छोड़कर चले गए हैं और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है, तो कंपनी को, कुछ कंपनीज को अच्छे लोग चाहिए और कुछ अच्छे लोग हैं जो मार्केट के अंदर हैं लेकिन उनको अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही है। इन दोनों के बीच का आप मीडिएटर बनकर अच्छे लोगों को अच्छे लोगों तक पहुंचा कर आप यहां पर बहुत अच्छा करियर अपना बना सकते हैं और मैन पावर आप सप्लाई कर सकते हैं बड़ी कंपनीज को, और वहां पर भी आप एक बहुत अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, तो जिसको हम कहते हैं एचआर कंसल्टिंग। तो आप यहाँ पे एज ए एचआर कंसल्टिंग एजेंसी भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं जो कंपनीज को बहुत अच्छे लोग प्रोवाइड करें। तो दसवां है मैन पावर, आप लोगों को सप्लाई करके आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं जिसमें बहुत बड़ा कुछ आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ग्यारहवां है होम डिलीवरी सर्विसेज। जी हाँ, आज बहुत सारे लोग हैं ना जो मार्केट में जाना नहीं चाहते हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि शायद मार्केट में बाहर जाने से हमें प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, तो ऐसे लोग चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मैं कुछ चीज मंगवाना चाहता हूँ, मेरे लिए कोई लेकर आए सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में, तो मुझे उसको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आज मैं ही एक पर्सन को मैंने ऑफर किया, अगर आप मेरे लिए मेरे घर की दवाइयाँ आप लेकर आ सकते हैं तो मुझे आपको एक्स्ट्रा पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होम डिलीवरी सर्विस भी बहुत फ्री है और यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की डिमांड भी है, तो यहाँ पर आप
कर सकते हैं होम डिलीवरी, वो किसी भी चीज की हो सकती है। आप साग भाजी की कर सकते हैं, आप मेडिसिन की कर सकते हैं, आप किराने की कर सकते हैं, आप कोई स्पेशल चीजों की कर सकते हैं। तो यहाँ पे होम डिलीवरी आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है रेवेन्यू जनरेट करने का। तो ये 11 तरीके मैंने आपको बताया जहां से आप अपने घर पर बैठे बैठे अपने बिजनेस को या अपने करियर को बहुत अच्छा मुकाम दे सकते हैं और इसके जरिए आप अपनी इनकम का नया सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 11 तरीकों में से आप कोई ना कोई तरीका पसंद करके आप अपने करियर को बना सकते हैं और भविष्य में ऐसा कोई फिर से मौका आए तो यहाँ पर आपको जो इस बार तकलीफ हुई वो तकलीफ शायद ना हो, इसकी तैयारी आज से आप कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कौन सा ऐसा तरीका है इसमें से जो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा और आपने शुरू किया। तो मैं विशाल सिंह इसी तरीकों के साथ में मैं आज आपसे विदा कर लेता हूँ और डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपने करियर को बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।